वेलकम डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे वाउचर्स, वाउचर्स क्या होते हैं, प्लस पेमेंट की एंट्री किस तरीके से क्रिएट की जाती है, प्लस रिसीव की एंट्री आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो पेमेंट वाउचर, सपोज पेमेंट वाउचर किस लिए उपयोग किया जाता है, एनी टाइप ऑफ पेमेंट, मतलब आपको किसी भी प्रकार की कोई पेमेंट करनी है या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, रेंट पेड करना है, कमीशन पेड करनी है, तो जो भी आप पेड करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर का उपयोग करेंगे। तो पेमेंट वाउचर को उपयोग करने से पहले हमें जिस जिस को पेमेंट करनी है, सपोज हमें सैलरी देनी है, कमीशन देना है, रेंट देना है, जो भी हम देना चाहते हैं, उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो में जाकर हम उसका लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अकाउंट इन्फो में आना है और यहाँ से आपको जाना है लेजर्स में। तो जैसे ही आप लेजर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे मुझे सैलरी पे करनी है तो यहाँ से एक मैंने सैलरी का बना दिया, तो सैलरी एंटर करेंगे। यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे और यहाँ से सेटिंग है आप ऑन कर सकते हैं और इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से यदि आप रेंट देना चाहते हैं तो यहाँ से रेंट का बनाएंगे और इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसको इसके अंदर पुट कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप इंटरेस्ट देना चाहते हैं तो आप इंटरेस्ट भी बना सकते हैं। यदि आप इंटरेस्ट को पेड कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे और इस तरीके से इसको रखेंगे। यदि आप बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे हम और इसको बैंक अकाउंट के अंदर रखेंगे। इसके बाद हम बैक आने के लिए एस्केप की का यूज करेंगे और हम अपने अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। तो अकाउंटिंग में वाउचर जाने के लिए आप यहां पर आएंगे और इस पे एंटर करेंगे तो आप अकाउंटिंग, आप देख सकते हैं यहां से ये वाउचर खुल चुका है। तो सबसे पहला जो वाउचर हमें दिखाई दे रहा है वो है पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर में क्या होता है, हम किसी भी प्रकार की जैसे हमें पेमेंट करनी है तो उसके लिए हम पेमेंट वाउचर का उपयोग करते हैं। तो यदि पेमेंट वाउचर ना दिखाई दे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी शॉर्टकट की भी है, अभी ये ओपन है इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा है। यदि ये ओपन नहीं होता तो ये हाईलाइट, तो अभी ये ओपन है इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है F5 है और यहाँ से आप खोल सकते हो, ठीक है। अब जो भी आप पेमेंट करोगे, सपोज आपको रेंट देना है, सैलरी देनी है, तो ये क्या होता है आपके लिए एक्सपेंसेस होते हैं और एक्सपेंसेस को रूल कहता है कि जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट करना है और जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो उसको क्रेडिट करना है। तो जैसे सपोज मुझे रेंट देना है तो यहाँ से रेंट को सिलेक्ट करेंगे, सपोज मुझे रेंट देना है 2500 और एंटर, और क्रेडिट में आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, बैंक के थ्रू करना चाहते हो तो बैंक लेंगे, कैश के थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ से कैश ले लेंगे। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ये नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि हमने न्यू कंपनी क्रिएट की हुई है और इसमें कैश अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए अमाउंट आप देख सकते हो यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट को शो कर रहा है। एंटर करेंगे और यहाँ पे इसकी नरेशन डालेंगे, सपोज रेंट पेड टू मिस्टर अशोक कुमार और इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से यदि आप सैलरी देना चाहते हो तो यहाँ से सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सैलरी डालेंगे और इसको क्रेडिट में, यदि आप बैंक के थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ से बैंक ले लेंगे। तो ये चेक नंबर की थोड़ी डिटेल मांग रहा है आपसे, तो यदि आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे इसकी नरेशन लिखेंगे, सैलरी पेड टू मिस्टर कपिल शर्मा और इसको एक्सेप्ट करेंगे। यदि आप इंटरेस्ट देना चाहते हैं तो इंटरेस्ट को लेंगे और यहाँ पे सपोज मुझे इंटरेस्ट देना है 180 और इसको क्रेडिट करेंगे हम कैश या बैंक, जो भी आप करना चाहते हो वो, और यहाँ पर हम लिख देंगे इंटरेस्ट पेड टू सुनील कुमार और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। इसी तरीके से यदि आपको रिसीव की एंट्री करनी हो तो सबसे पहले हम रिसीव की एंट्री करने से पहले हम उसके लेजर्स बनाएंगे कि क्या क्या हमें रिसीव हो रहा है। तो रिसीव की एंट्री क्या होती है, मतलब जो भी चीज़ आपको रिसीव हो रही है कंपनी में, सपोज आपको कमीशन मिल रही है, रेंट मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, जो भी आपको मिल रहा है वो आपको
क्या करना है, रिसीव वाउचर के अंदर उसको रिकॉर्ड करना है या फिर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस चीज को आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेजर बनाने पड़ेंगे। तो मैं बैक जाऊंगा यहाँ से और अकाउंट्स में जाएंगे, अकाउंट इन्फो में, और यहाँ से लेजर्स पे जाएंगे और क्रिएट। सपोज मुझे देना है इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है मुझे, और इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम। तो जो भी आपको मिलता है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है और इसको एक्सेप्ट करेंगे। यदि आपको डिटेल पता है डाल सकते हो, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से यदि आप कमीशन देना चाहते हैं कमीशन, और यदि आप रिसीव कर रहे हैं तो इसको रिसीव डालेंगे और इसको इनडायरेक्ट इनकम और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यदि आप चाहते हैं किसी से पैसे रिसीव करना तो उसका लेजर बनाएंगे, जैसे तो इसको हम अंडर रखेंगे सन्ड्री डेटर, क्योंकि जिससे हमें पैसे रिसीव होते हैं वो क्या होता है, सन्ड्री डेटर होता है। तो यहाँ से हमें डालना है सन्ड्री डेटर। तो इस तरीके से हम इसकी डिटेल को क्रिएट करेंगे। अब इसकी एंट्री को रिसीव करने के लिए अकाउंट्स वाउचर में, और यहाँ से हमें रिसीव को खोलने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की है F6 रिसीव। तो उसके लिए हम F6 प्रेस करेंगे तो हम रिसीव वाउचर के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले ये क्रेडिट मांग रहा है कि आप क्या क्रेडिट करना चाहते हो। तो जो भी चीज़ आप पेड कर रहे हो, जो भी चीज़ आपको रिसीव हो रही है वो क्रेडिट होगी, और जिसके थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सपोज मुझे कमीशन रिसीव हो रही है तो यहाँ से कमीशन को लेना है। सपोज मुझे 2000 रुपीज़ हो रहे हैं और यहाँ पर हम कैश लेंगे, और कैश में क्या है कि हमारे पास कैश बढ़ रहा है और इनकम हमारी हो रही है। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन को दिखाया जाता है यहाँ पर, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये इसके रिसिप्ट है और ये यहाँ पे वाउचर नंबर चलते हैं, प्लस यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं। यदि आपको डेट बदलनी है तो उसके लिए हम F2 का यूज़ करके हम यहाँ से डेट को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप नरेशन लिखेंगे तो जो भी नरेशन आप देना चाहते हो वो यहाँ पर आप नरेशन डाल देंगे। तो यहाँ पर मुझे नरेशन डालनी है कमीशन फ्रॉम सुनील शर्मा, और इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से यदि आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव का बनाएंगे, और यहाँ से बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ से बैंक ले लेंगे। चेक नंबर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर नरेशन लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव, और इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से हमें शर्मा से पैसे लेने हैं तो शर्मा को हम क्रेडिट करेंगे और ऑन अकाउंट, और यहाँ पर हम उसकी डिटेल को डालेंगे। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यदि आपको शर्मा से एडवांस पैसे मिल रहे हैं तो आप इसको एडवांस में डालेंगे। यदि आप किसी बिल की पेमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, और हैंड टू हैंड यदि आप चाहते हैं उसका न्यू बिल क्रिएट करना तो उसके लिए आपको न्यू रेफरेंस लेना है। यदि आपको इन दो तीनों में से कोई डिटेल नहीं पता है तो उसके लिए आपको फिर यहाँ से ऑन अकाउंट लेना है। और सपोज मैं यहाँ से इसको 1500 रुपीज़ रिसीव करने वाला हूँ तो इसको ये लेंगे, और यहाँ से क्रेडिट और एंड ऑफ लिस्ट। और इस तरीके से हम इसको कैश में लेना चाहते हैं तो यहाँ से कैश। तो इस तरीके से हम इसकी रिसीव की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नरेशन कैश, और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम, आपने देखा किस तरीके से हमने पेमेंट की एंट्री करी और किस तरीके से हमने इसकी रिसीव की एंट्री की हुई है।